लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय में आज 104 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया। तो वहीं एसटीएफ की नोएडा यूनिट में तैनात एडिशनल एसपी राजीव नारायण मिश्र को डीजीपी सुल्तान सिंह ने सम्मानित किया। इस मौके पर हमारे रिपोर्टर आशीष कुमार ने राजीव नारायण मिश्र से बातचीत की। 15 अगस्त के दिन यूपी में सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है नोएडा से एसटीएफ। सर, किस तरीके से आपको सम्मानित किया गया है, क्या था? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब हमारा देश 71वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की मना रहा है, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा मुझे प्रशंसा चिन्ह कमेंडेशन डिस्क से नवाजा गया है, जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमुख को धन्यवाद देता हूँ। और एक ये हर्ष का विषय पुलिसकर्मी के लिए होता है जब उसकी सेवाओं को, उसके कर्तव्यनिष्ठा को प्रशंसा की जाती है और सम्मानित किया जाता है। सर, अगर देखा जाए तो पुलिस विभाग में काफ़ी समय से हैं, कितनी सेवाएं आप अभी तक पुलिस विभाग को दे चुके हैं और किस तरीके का कार्य रहा आपका? मैंने पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर सेवाएं दी हैं। अभी वर्तमान में मैं एसटीएफ में हूँ और इससे पहले मैं यूपीपीसीएल में डेपुटेशन पे था। उससे पहले मैंने 2.5 वर्ष लगभग एटीएस में अपना योगदान दिया है और विभिन्न विभागों में योगदान देकर मुझे विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करने का लाभ हुआ है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं देकर गौरवान्वित महसूस करता हूं। सर, अभी आप एसटीएफ में हैं, नोएडा में हैं, इतने बड़े शहर में हैं, तो किस तरीके से क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरीके से? ये अपराधियों पर नियंत्रण एक लगातार सतत प्रयास हमारा जारी है और इसी प्रयास के क्रम में अगर हम इस वर्ष की बात करते हैं तो हमने एक महत्वपूर्ण सनसनीखेज घटना हुई थी जिसमें एक युवक जिसका नाम अंकित चौहान था, उसका लूट के उद्देश्य से उसकी हत्या की गई थी, जिसकी विवेचना सीबीआई द्वारा की जा रही थी और उस पर 5 लाख रुपए का सीबीआई द्वारा अनावरण और गिरफ्तारी पर पुरस्कार घोषित किया गया था। उसको हम लोगों ने विगत माह में अनावरण किया है और उससे संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये थे हमारे साथ राजीव मिश्रा जी जो नोएडा एसटीएफ में थे। उन्होंने बताया कि अभी इससे पहले भी करीब 50,000 के अपराधी को पकड़ने में सफलता भी हासिल की थी, इसी को लेकर के ही उनको एक स्वर्ण पदक भी हासिल हुआ है। लखनऊ से कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आशीष वर्मा, इंडिया वॉइस।